साल 2003 में जब राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी फिल्म मुन्ना भाई MBBS रिलीज हुई तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। फिल्म की कहानी, किरदार और गानों को भी काफी पसंद किया गया। इस फिल्म से संजय दत्त और अरशद वारसी दोनों की ही किस्मत चमक उठी। संजय दत्त को इस फिल्म के बाद लोग मुन्ना भाई के नाम से पुकारने लगे थे। हालांकि ये फिल्म पहले बॉलीवुड के एक खान को ऑफर हुई थी। जब बात नहीं बनी तो मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को संजय दत्त को दे दिया। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि अरशद वारसी को पहली नजर में ये किरदार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ये बात खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। हालांकि ये किरदार और फिल्म उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मुन्ना भाई MBBS संजय दत्त और सर्किट बने अरशद वारसी दोनों के ही किरदारों को खूब प्यार मिला। साथ ही संजय ने अपने किरदार से खूब वाहवाही लूटी थी और इसे यादगार किरदार बना दिया था। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुन्ना भाई MBBS के लिए मेकर्स की पहली पसंद संजय दत्त नहीं बल्कि शाहरुख खान थे। जी हाँ, शुरुआत में राजकुमार हिरानी ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट किंग खान को सुनाई थी। उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट भी काफी पसंद आई लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। वहीं संजय दत्त के करियर को इस फिल्म से नई दिशा मिली। ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।